वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग के साथ अपराजिता और मैं हूँ आप लोगों की प्यारी अपराजिता। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरी बेटी के लिए मैं क्या ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया तो मेरी बेटी को चाहिए स्पेशल स्पेशल डिश। और मैंने सोचा कि आज उसके लिए स्पेशल कुछ बनाए, और स्पेशल बल्कि कि उसके लिए मैं स्पेशल ये इतना स्पेशल कुछ नहीं, चिकन डिल तो हर कहीं खाते हैं घर पे बना के और मार्केट से लेके, लेकिन मेरी बेटी का पसंद है चिकन रोल, इसलिए मैंने मेरी अपनी तरीका से और मैंने अपने जो रेसिपी है आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ चलिए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ चिकन रोल, आइए चलिए मेरे साथ। देखिए अभी मैं चिकन रोल बनाने के लिए सब तैयार किया है, फ्रेंच फ्राई हो गया मेरा अभी, और चिकन को भी फ्राई करके रखा, और प्याज अनियन और गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई करके मैंने अभी चपाती फ्राई करके रखा था। और अभी चपाती बनाने के बाद मैं इसमें सिजवेन दे रही हूँ, और सिजवेन देने के बाद मैं थोड़ा सा मेन्यूज भी दूँ, अभी मेन्यूज दे रही हूँ। थोड़ा सा मेन्यूज लगाने के बाद मैं फिंगर जो चिप्स बना के रखी हूँ और फ्रेंच फ्राई वो फ्रेंच फ्राई दूंगी, और चिकन फ्राई भी दूंगी, और अनियन गार्लिक और जिंजर की जो मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था उसमें भी दूंगी, क्योंकि जिंजर और गार्लिक का जो स्मेल है अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अलग सा आता है। तो इसके बाद मेरा बन जाएगा रोल, और ऊपर से भी थोड़ा मेन्यूज दूंगी क्योंकि मेरी बेटी की पसंद है मेन्यूज, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको देती हूँ, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं है मैंने खाना, लेकिन फिर भी मैं देती हूँ, उसका पसंद है कभी कभी मैं दे देती हूँ, और इसका पसंदीदा खाना जब बना के देती हूँ थोड़ा इतना बैलेंस कर नहीं सकती हूँ। और अभी बन गया मेरा चिकन रोल, और अभी मैं बेटी को दूँगी और वो फ्रेश होके आ रही है, और उसको बहुत ही वो खुश होगी कि मम्मी स्पेशल उसके लिए आज समर ब्रेक के में बना के कुछ तो दिया है मैंने, तो वो खुश होगी। और सॉस के साथ भी खा सकते हैं आप लोग, मेयोनीज अलग से ले सकते हैं, और जो भी है आप लोग इसके साथ ग्रीन चटनी होने से भी आप लोग खा सकते हैं, ये अपना चॉइस के ऊपर। और मैंने तो आज ग्रीन चटनी नहीं बनाई, और सॉस के साथ ही इसको